पर आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। कांग्रेस की ओर से लगातार सचिन पायलट को मनाने की जा रही है कोशिश। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बात की। सभी प्रशंसक अमिताभ बच्चन की जल्द रिकवरी की दुआ मांग रहे हैं। कई लोगों ने तो अपने अपने घरों में अमिताभ बच्चन की अच्छी सेहत के लिए पूजा भी करना शुरू कर दिया है। HDFC बैंक ने भी गड़बड़, गलत तरीके से लोन देने के आरोप की हुई जांच। बैंक के व्हीकल लोन यूनिट में गड़बड़ी के लगे हैं आरोप। चीन को सामरिक जवाब, लद्दाख सीमा तक जाएगी दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन। CBSE क्लास 12 का रिजल्ट जारी हुए, 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। इस बारे में NIC ने कहा है कि तकनीकी खामी के कारण छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अहमदाबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ चौबे की मौत के मामले की जांच CID करेगी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र नाथ चौबे की हत्या की गई है और उस फ्लैश को फंदे से लटका दिया गया। सैनिक न करें सोशल मीडिया का उपयोग, सेना के निर्देश को दिल्ली FC में चुनौती। सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल ने दायर की याचिका, मंगलवार को हाईकोर्ट कर सकता है सुनवाई। राजस्थान विधायक दल में प्रस्ताव पास, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर होगी कार्यवाही। CM गहलोत के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक, पार्टी नेताओं ने कहा पूरी तरह कांग्रेस पार्टी एकजुट है। कोरोना का हर 8वां नया मरीज अब भारत से, दुनिया में नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का प्रभाव। भारत में लगातार बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, दुनिया का हर 8वां नया मरीज अब भारत का। CBSE ने 13 जुलाई को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि प्रतिशत में त्रिविधम रीजन में रिकॉर्ड तोड़ 97.67% छात्र पास हुए हैं, वहीं पटना सबसे पीछे है। इंडियन रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेन के सफर को और अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए 20 नए बदलाव करने जा रहा है। इसमें रेलवे के डिब्बों को नए तरीके से ठंडा करने और CCTV से नजर बनाए रखने की सुविधाएं भी शामिल है। PM मोदी ने गूगल CEO सुंदर पिचाई से की डेटा साइबर सुरक्षा पर बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी ने की बात, गूगल CEO सुंदर पिचाई से कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए फटाफट न्यूज़।